Welcome to Digi for Tech. Please subscribe and press the bell icon. इंडिया में 5G का ट्रायल जल्द ही चालू होने वाला है. DOT ने कंफर्म कर दिया है कि 100 दिन का ट्रायल किया जाएगा 4 मेट्रो सिटीज पे और इसे कमर्शियली रोल आउट कर दिया जाएगा Q1 2020 पे. नेटफ्लिक्स के ऐप में अब नया अपडेट आ चुका है. अब आप जो भी वीडियो मूवी टीवी शो शेयर करना चाहते हैं अपने नियर एंड डियर वन यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल्स पे तो आप इंस्टाग्राम पे एज अ स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि आप नेटफ्लिक्स पे क्या चीज़ देख रहे हैं. हुआवे को बैन कर दिया गया है अमेरिका पे. चाइना और अमेरिका के बीच इस टॉपिक को लेके काफ़ी बहस चल रही है और अब चाइना भी इसके अगेंस्ट एक्शन लेने वाला है क्योंकि एप्पल का प्रोडक्शन चाइना में ही किया जाता है और एप्पल का प्रोडक्शन ड्यूटी टैक्स बढ़ाने वाला है चाइना, जिससे कि अब 2019 में आने वाले जितने भी आईफोन हैं उसमें कम से कम 3% का प्राइस ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है. रेडमी नोट 7S नाम का एक नया फोन लॉन्च होने वाला है. इसे कंफर्म कर दिया गया है कि ये इसी महीना 20 तारीख को लॉन्च हो जाएगा. इसमें आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं तो ये फोन एक्चुअली रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 प्रो के बीच पे स्टैंड करता है. जैसे कि रेडमी नोट 7 आता है 10,000 और 12,000 प्राइस वैल्यू पे और ये फोन आएगा 12,000 और 14,000 वाले प्राइस वैल्यू पे. उसके बाद आएगा रेडमी नोट 7 जो कि है 14,000 और 17,000. Realme का 5G फोन जल्द ही आने वाला है क्योंकि माधव सेठ ने कंफर्म कर दिया है कि इंडिया पे 5G बैंड के आने से पहले ही हम अपना 5G फोन लॉन्च कर देंगे इंडियन मार्केट के लिए. ओयो ऐप का लाइट वेरिएंट को लॉन्च कर दिया गया है फाइनली और इसे टारगेट किया गया है लो कनेक्टिविटी वाले के लिए और लोअर स्पेक्स वाले एंड्रॉयड फोन के लिए, जैसे कि एंड्रॉयड गो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम 1 GB 2 GB रैम वाले और 2G और 3G इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है. टेलीग्राम ने कहा है कि व्हाट्सएप कभी भी सेफ नहीं था, टेलीग्राम सबसे ज्यादा सेफ है. ऐसा खींचातानी तो मार्केट में चलता ही रहता है. नासा ने स्पॉट किया है कि इसराइल का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था मून पे 11 अप्रैल 2019 को. गूगल ने अनवील कर दिया है अपना स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन सिस्टम, यानी कि आप ऑन द स्पॉट स्पीच करेंगे यानी कि बातें करेंगे अदर लैंग्वेजेस पे और वो ट्रांसलेट करके आपको इंस्टेंटली देगा. यानी कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो लाइव कैप्शन की फैसिलिटी गूगल ने अनवील कर दी है. टाटा स्काई का बिंगी सर्विस लॉन्च हो चुका है. टाटा स्काई का बिंगी सर्विस लॉन्च हो चुका है और इसने टाई अप किया है अमेजोन के फायर टीवी स्टिक के साथ. इस पे आप 249 रुपीज का पर मंथ आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करना होगा. उसके बाद आप टाटा स्काई के 5000 टाइटल्स जो कि VOD लाइब्रेरी में से आप कुछ भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं बिना एडिशनल कॉस्ट के. एप्पल का खुद का 5G मॉडेम 2025 के पहले नहीं आएगा, ऐसा कंफर्म कर दिया है एप्पल ने. अभी आपको अगर 5G फोन देखने को मिलेगा 2020 में 2019 में तो एप्पल का 5G फोन नहीं आएगा. आप ये कंफर्म मान लीजिए, 100% या 200% मान लीजिए 2019 में आपको एप्पल के तरफ से सिर्फ 4G फोन ही देखने को मिलेंगे. 2020 पे से जो 5G फोन आएंगे उस पे इंटेल के चिप रहेंगे, इसी तरीके से अदर कंपनी के चिप रहेंगे, लेकिन एप्पल का खुद का 5G चिप 2025 के पहले यूज नहीं किया जाएगा. सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड फोन का इशू फाइनली सॉर्ट आउट हो चुका है और जिन्होंने पहले से इसे बुक करके रखा था यानी कि प्री ऑर्डर करके रखा था उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाएगा और जिनका फोन डैमेज हुआ था उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट करके दिया जाएगा. वन प्लस के कैमरा में अब
गूगल लेंस का ऑफलाइन सपोर्ट आ चुका है, गैलरी अपडेट ऐप का सपोर्ट आ चुका है, क्रॉसर इंटरफेस का भी सपोर्ट आ चुका है। वन प्लस के कैमरा वर्जन 3.2.91 पे आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। गूगल का जो टाइटन सिक्योरिटी की जो गूगल ने लॉन्च किया था, ये काफी सिक्योर है ऐसा गूगल ने कहा था, बट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोले या कुछ वल्नरेबिलिटी बग्स बोले, इसमें भी कुछ इशू आए थे, तो गूगल ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। और गूगल ने कहा है जिस भी कस्टमर के टाइटन सिक्योरिटी की पे ये प्रॉब्लम आए हैं, हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट करके देंगे। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट के डिवाइसेस पे इसे आइडेंटिफाई किया गया है। एयर टैक्सी नाम का एक एयर टैक्सी को स्टार्टअप कंपनी लीनियम ने स्टेज के लिए ओवरक्राफ्ट करके 5 सीट का प्रोटोटाइप शोकेस किया है कि ये किस तरीके से वर्कआउट करेगा। ये कंपनी 2017 से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, और अब देखना ये होगा कि कमर्शियल वे पे ये कंपनी 2025 तक का टारगेट लेके चल रही है कि 2025 तक हम कमर्शियली एयर टैक्सी को रोल आउट कर देंगे। OnePlus 7 Pro का जो जेन मोड है, इसका अपडेट जल्द ही OnePlus 6 और 6T पे आने वाला है। हाँ, लेकिन आपके लिए बुरी खबर है कि नेटस्केप 2.0 यानी कि नाइट मोड वाली फोटोग्राफी वाला जो फीचर है जो OnePlus 7 Pro पे है, वो आपको OnePlus 6 और 6T पे नहीं मिलेगा। Amazon Alexa कुछ घंटों के लिए काम करना बंद कर चुका था, कुछ सर्वर इशू था टेम्पररी, इसे सॉर्ट आउट कर दिया गया है। और ये आइडेंटिफाई हुआ था मोस्टली Amazon के एको स्पीकर पे। कैनन ने अपना ईओएस सीरीज का 200D2 DSLR कैमरा लॉन्च किया है। इसमें 12 पिक्सल का सपोर्ट है, ऑटो फोकस है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है, और इसकी प्राइस है 53,000 रुपीज। ये काफी अच्छा प्राइस टैग के साथ कैनन ने इसे लॉन्च किया है। अगर आप 4K पर्पज से देखना चाहते हैं तो 53,000 आपको इसका बेस वेरिएंट का प्राइस है विदाउट किट के साथ। अगर आप किट लेना चाहते हैं तो आपको 66,000 रुपीज पेड करने होंगे। ओप्पो का K3 इंडियन मार्केट पे फाइनली लॉन्च होने वाला है। इसे टीज कर दिया गया है कि 23 मई 2019 को इसे लॉन्च किया जाएगा। इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा डेप्थ सेंसिंग के लिए, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, 710 वाला SoC मिलेगा स्नैपड्रैगन की तरफ से। व्हाट्सएप में एक फीचर को रिमूव कर दिया गया है कि अब आप किसी भी का प्रोफाइल फोटो को सेव नहीं कर सकते हैं आईफोन के वर्जन पे, और आप स्टिकर का प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे ही आपको कोई स्टिकर भेजेगा तो नोटिफिकेशन पैनल पे ही आप उस स्टिकर का रिव्यू देख पाएंगे। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 2 मून मिशन पे नासा के एक्सपेरिमेंटल को कैरी किया जाएगा और नासा के भी प्रोजेक्ट को टेक करके मतलब लेके जाया जाएगा, और ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकता है इसी महीने। रियलमी एक्स इंडिया पे जल्दी आने वाला है, इंडिया के चीफ माधव सेठ ने कंफर्म कर दिया है। और ये मेरे ख्याल से आएगा 15 से 18 हजार के प्राइस बजट पे ये फोन आने वाला है। अब देखना ये होगा इसका प्राइस क्या होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार शटल कंपनी का जो है, इसका आज पहला क्या बोलना चाहिए, पहला ड्राइविंग था, और इसे पहले ड्राइविंग में ही ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है और इस पे फाइन लगा दिया है। आसूस का ZenFone 6 ने टीज कर दिया है ना OnePlus 7 Pro को कि हमारा बैटरी आपके बैटरी से कई गुना ज्यादा है। जैसे कि आप जानते हैं OnePlus 7 पे आपको मिलता है 3700 mAh की बैटरी, OnePlus 6 के में आपको मिलेगा 5000 mAh का बैटरी, Snapdragon 855, और ये आज ही लॉन्च होने वाला है। इसका लाइव इवेंट आप चाहें तो अभी जाके देख सकते हैं। हुआवे को US में बैन करने के वजह से चाइना और अमेरिका के बीच में कहासुनी हो गई है। अब देखना ये होगा कि दोनों देश क्या कदम लेते हैं इस मामले पे। स्पेस एक्स ने अपना 60 इंटरनेट सैटेलाइट जो शेड्यूल्ड था उसे पोस्टपोन कर दिया है लॉन्च करने के लिए। अब किस रीजन से इसको पोस्टपोन किया गया है ये तो अभी फिलहाल क्लियर नहीं किया गया है। चाइना का जो प्रोप है जल्द ही लॉन्च हो जाएगा चांद में।
और वहां के कुछ सैंपल कलेक्ट करके वापस लाएगा। एमेजोन ने 1.5 बिलियन का सिनेटिक एयरपोर्ट जो है उसमें 100 कार्गो जेट के लैंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। एयरपोर्ट में 3 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया के लिए अमेजोन ने इन्वेस्ट किया है। 2000 जॉब देगा अमेजोन, ऐसा अमेजोन ने कंफर्म किया है। गूगल पे, यानी कि अगर आपके पास गूगल पिक्सल 1 है तो आपको गूगल $500 तक का जुर्माना दे सकता है। एक्चुअली ये है कि गूगल पिक्सल 1 पे एक ओनर को कुछ प्रॉब्लम आया था, उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लिया, कंप्लेन किया गूगल के अगेंस्ट, और ये केस फाइनली डन होने के बाद अब गूगल को फाइन देना पड़ सकता है $350 से लेके $500 तक का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है डीजी फॉर टेक, और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको उसका इंफॉर्मेशन जल्द ही मिल जाए। थैंक यू।